अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इज इंग्लिश। इस वीडियो में हम सीखेंगे रोज़मर्रा गुफ्तगू में इस्तेमाल होने वाले जुमले और नए अल्फाज। तो आइए शुरू करते हैं। ये मस्नूई फूल हैं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, दीज आर आर्टिफिशियल फ्लावर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने सारे इंतजाम कर लिए। आई हैव मेड ऑल द अरेंजमेंट्स, आई हैव मेड ऑल द अरेंजमेंट्स। क्या यहाँ आसपास कोई बैंक है या करीब में कोई बैंक है? इज देयर अ बैंक अराउंड हियर, इज देयर अ बैंक अराउंड हियर। पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, पुलिस अरेस्टेड देम रेड हैंडेड, पुलिस अरेस्टेड देम रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का मतलब है रंगे हाथों। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, No arrest has been made so far. No arrest has been made so far. वो बहुत फनकाराना सलाहियत का मालिक है, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, He is very artistic. He is very artistic. Artistic का मतलब है फनकाराना सलाहियत का मालिक, artistic. जैसा कहता हूँ वैसा करो, Do As I say, जैसा कहता हूँ वैसा करो, do as I say. जैसा मैंने सिखाया है वैसे पढ़ो, read as I taught you, read as I taught you. वो अपने भाई जितना लंबा है, he is as tall as his brother, he is as tall as his brother. ये वीडियो, पहली वाली वीडियो जितनी दिलचस्प है, This video is as interesting as the previous one. This video is as interesting as the previous one. हम उसके लतीफों पर हंसे, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, We laughed at his jokes. We laughed at his jokes. Laugh at आएगा, laugh on नहीं आएगा। मैं फिजिक्स में अच्छा नहीं हूँ, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आई एम नॉट गुड एट फिजिक्स। गुड एट आएगा, गुड इन नहीं आएगा। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, आई एम नॉट गुड एट फिजिक्स। इसी तरह अगर आप कहते हैं मैं इंग्लिश बोलने में अच्छा नहीं हूँ, तो आप कहें आई एम नॉट गुड एट स्पीकिंग, आई एम नॉट गुड एट स्पीकिंग। किसी ने उस पर अंडा फेंका, Somebody threw an egg at him. Somebody threw an egg at him. Throw की second form है, ये threw नहीं pronounce किया जाएगा बल्कि threw pronounce होगा। Somebody threw an egg at him. वो 2 बजे पहुँचेंगे, They will arrive at 2 o'clock. They will arrive at 2 o'clock. मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि I assure you that. इसके बाद आपने जो भी बात कहनी है आप उसे कहें, I assure you that, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि। बड़ी हैरत की बात है, It's very astonishing. बड़ी हैरत की बात है, उसने मुझे बड़ी हैरत से देखा, He looked at me in astonishment. वो टीवी के सामने ही सो गई, She fell asleep in front of the TV. एक तरफ हो जाओ, Move aside. एक तरफ हो जाओ। मेरे रिजल्ट ने सबको हैरान कर दिया, My result astonished everyone. Astonish का मतलब है हैरान कर देना, astonish. मुझे पहली कोशिश में नाकामी हुई, I failed on my first attempt. मुझे पहली कोशिश में नाकामी हुई, लेकिन मैं दूसरी कोशिश में कामयाब हो जाऊंगा, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, But I will succeed on my second attempt. आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, फी अमानिल्लाह।